दोस्तों, ख़ुद को संवारने में इतने मसरूफ़ हो जाओ कि तुम्हें दूसरों पे तनकीद करने की फ़ुर्सत ही ना मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर अपने अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम हो, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी गुजारें। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है वॉक से, तो मैं यहाँ वॉकिंग कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है। पेड़ वगैरह, दरख्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और फॉलिंग हो रही है तो दरख्त के पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और बहुत कलरफुल पत्ते नज़र आ रहे हैं पूरे पार्क में। तो 10 से 15 मिनट वॉक करेंगे, फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। घर में मैं बनाऊंगी आज चिकन, बनाऊंगी चिकन फ्राई करूंगी। थोड़ा सा हरा धनिया कैसे हम सेव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, हरा धनिया को मैं बताऊंगी कि कैसे आप सेव कर सकते हैं, एक साल तक रख सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही रहेगा, ग्रीन रहेगा। तो इस व्लॉग में आप लोग बंधे रहे मेरे साथ और पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक, तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। तो पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो देखने में मस्त हो जाते हैं तो लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स भी कीजिएगा। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं और बस घर आने वाला है, अब हम वापस चल रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ आ गए हम घर में, मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी देर बैठी आराम किया और जूस वूस पिया, फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ धनिया, तो मैं आधा धनिया ड्राई करके रखती हूँ और आधा मैं ऐसे ही फ्रेश करके, फ्रेश पत्तियाँ तोड़ के रखती हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। आज मैं बनाऊँगी ड्राई धनिया, कि इसको हम कैसे ड्राई करेंगे, कैसे इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए एक साल तक संभाल के रख सकते हैं इसको, अब बिल्कुल ये ग्रीन रहेगा, कोई भी फ़र्क नहीं लगेगा, बस ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो चलें देखें वीडियो और इन्जॉय करें। ये देखिए जी, मैंने इसकी पत्तियां तोड़ दी हैं और मैं इसे एक छन्नी में डाल रही हूँ, इसे मैं अच्छी तरह धो लूँगी। हमने शॉपराइट से धनिया लिया तो धुला वही होता है, बस हमें एक दफ़ा और अच्छा सा पानी डाल के इसको साफ कर लेना है। धुला हुआ होता ही है, लेकिन एक दफ़ा हम इसे और अच्छे से धो लेंगे। और मैं इसे रख दूँगी एक बोल में ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, इसे एक बोल में रख देंगे। तो जब इसका सारा पानी निकल जाएगा तो मैं इसे टिश्यू से साफ कर लूँगी। यहाँ देखिए जी, हमने धनिया का धो के छन्नी में रख दिया था, इसका सारा पानी निकल गया है, अब मैं इसे एक प्लेट में डालूँगी। एक टॉवल पेपर से इसको ड्राई कर लेंगे। मैं इसे डालूंगी एक प्लेट में। और यहाँ पे मैंने छोटी वाली इसकी डंडियाँ ली हुई हैं, इसे भी मैं ड्राई करूँगी। बड़ी वाली डंडियाँ हम हटा देंगे, छोटी वाली डंडियाँ हमें चाहिए क्योंकि इसी में सारा फ्लेवर होता है, इसी में सारा फ्लेवर होता है। इसी तरह हम इसे भी डालेंगे और ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने ड्राई कर लिया, मैं इसे रखूँगी माइक्रोवेव में 2 मिनट। दो मिनट के बाद मैं इसे निकाल लूंगी।
ये देखिए 2 मिनट हो गए, 2 मिनट के बाद मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें हम इसे मिक्स कर देंगे, ये देखिए एकदम सस्ता हो गए। एकदम ड्राई हो गया ये और कलर भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हरा धनिया होता है। तो मैं इसे निकाल लूँगी और इसी में दूसरा ड्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैं ये इसमें डालती हूँ और इसे भी माइक्रोवेव में रखूंगी। इसे मैं माइक्रोवेव में रखूंगी तो इसे भी मैं 2 मिनट माइक्रोवेव में रखूंगी, फिर निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये भी हमने माइक्रोवेव में रखा था 2 मिनट और ये भी अच्छा सा ड्राई हो गया है। ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो इसे थोड़ा सा काट लें। ये देखिए हमारा रेडी हो गया। इसे आप किसी भी खाने में डाल सकते हैं, सालन बनाएं, चिकन बनाएं, गोश्त बनाएं, बिरयानी बनाएं, कुछ भी बनाएं इसमें आप डाल सकते हैं और बिल्कुल ऐसे ही मज़ा आएगा जैसे धनिया का होता है। और ये बिल्कुल हरा हरा है और कोई भी फर्क नहीं लगा, कोई भी काला नहीं हुआ, ये बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। बस ये कि थोड़ा सा हमने इसे ड्राई कर लिया है, बिल्कुल ये फ्रेश है और स्मेल भी, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है वैसे ये धनिया की तरह। तो इसे बनाएं, बनाने के बाद इसे सेव कर लें। और ये काफ़ी चलेगा, बहुत सारा अगर धनिया है तो बहुत सारा बना के रख सकते हैं, 1 साल तक ये आराम से चल सकता है। कोई भी ख़राब नहीं होगा, कोई भी सॉफ्ट नहीं होगा और ये बहुत अच्छा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि ये पूरा बना के रख लेती हूँ और मेरा आराम से सुकून से चल जाता है ये काफ़ी दिन। और चाहें तो इसको बहुत बारीक बारीक काट लें। मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है इसे, ऐसा रखा है। मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखा है इसे, बिल्कुल चॉप नहीं किया है। जब आप सालन में डालेंगे, किसी भी चीज़ में डालेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जिसे आपने फ्रेश धनिया डाला है। ये हो गया हमारा ड्राई धनिया, इसे आप 1 साल के लिए सेव कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे एक स्क्रब जो आपकी स्किन को फेयर करेगा, ग्लो देगा, दाग धब्बे दूर करेगा। इस स्क्रब को आप फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथ पे, पाँव पे, गर्दन पे, जहाँ की स्किन वाइट करना है वहाँ पे इसे लगा सकते हैं। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको टिप्स भी मिलेंगी, कुकिंग भी मिलेगी और लाइफस्टाइल व्लॉगिंग भी मिलेगी। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यह हमने लिया खाली बाउल, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कॉफी। यहाँ पे मैं ये कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी 2 कतरे ग्लिसरीन के, लेमन जूस डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, हाफ टी स्पून लेमन जूस, कैस्टर ऑयल डालेंगे, ये स्किन के लिए बेस्ट होता है, स्किन को फेयर करता है, स्मूथ करता है, सॉफ्ट बनाता है और ये स्किन के लिए है। अगर ये नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं या फिर आलमंड ऑयल, हाफ टी स्पून। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी कोकोनट ऑयल, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। कोकोनट ऑयल हम इसमें इतना डालेंगे कि ये कोकोनट ऑयल या फिर आलमंड ऑयल इसमें इतना डालें कि ये एक स्क्रब बन जाए। देखिए जी हमने बना लिया है और इसका मसाज करेंगे हम अपने हाथ पे, पाँव पे, फेस पे, जहाँ की स्किन वाइट करना वापस का मसाज करेंगे। और 1 से 2 मिनट मैंने मसाज कर लिया है। मसाज करने के बाद मैं इसे छोड़ दूँगी 5 मिनट। 5 मिनट के बाद मैं आपको हाथ धो के दिखाती हूँ। ये देखिए जी स्किन एकदम फ्रेश हो जाएगी, फेयर हो जाएगी, ग्लो करेगी
और दाग धब्बे भी दूर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम में और फेसबुक लिंक है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और इसे बनाइएगा, बनाने के बाद इसे सेव भी कर सकते हैं और हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का ये असूल बना लो कि लोगों से इज़्ज़त मत मांगो, बल्कि काम ऐसे करो कि वो तुम्हारी इज्जत करने पे खुद मजबूर हो जाए। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।